भक्ति की शक्ति बड़े सारे संसार में, शेष सैया को तज हरि को आना पड़ा। मीरा रमी थी प्रभु प्यार में, विश्व से अमृत हरि को बनाना पड़ा। भक्त भगवान में भगवान है भक्त में, तरिस्ता दोनों का जग में बराबरी सदा। काल भी कांपता है हरि भक्त से, भक्ति जो भक्त दिल से है करता यदा। विरहा में एक लाइन गजल का अंदाज है। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इस कदर से सताए हुए शादी में आए हुए हैं। लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी संकेत किए, बगैर मालिक के मर्जी के एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। कैसे भैया? उसका जलवा है सारे जहां में, उसका जलवा है सारे जहां में, नूर से जिसके रोशन सभी है। से जिसके रोशन सभी है,
इसका महकता अभी है। उसका जलवा है सारे जहां में, नूर से जिसके रोशन सभी है। चाहे प्रेम से श्री कृष्ण श्री राम कहिए, चाहे प्रेम से अल्लाह खुदा कहिए, ला इलाही इलिम ला हयाला गुल गुलिस्ता महकता ये भी है। शक्ति एक ही है, केवल नाम अनेक है बाबूजी, नाम अलग है शक्ति एक है। कहानी का शुरुआती हवे से बात कहना है। स्वयंभू मन शत्रु पके दो दुलारे थे, प्रिय उत्तान पात पुत्र दो प्यारे थे। कथा उत्तान पाद की रही तो महारानी, बड़ी सुमती छोटी सुरुचि की ये कहानी। सुमती से ध्रुव जी का अवतार हुआ, सुरुचि के उत्तम एकलौता राजकुमार हुआ। राजा उत्तानपाद, राजा उत्तानपाद के दुई मेहरारू, बड़की मेहरारू का नाम रहे, बड़की रानी का नाम रहे सुमती, और छोटकी रानी के नाम रहे सुरुचि। तो सुमती जो थी उसके गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम ध्रुव रखा गया, और जो छोटी रानी थी सुरुचि उसके गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम उत्तम कुमार रखा गया। तो राजा छोटकी रानी के ज्यादा माने बड़की रानी के, तो यही बदे छोटकी रानी सोचे कि एक कई बेटवा हमारे, एक कई बेटवा उनहू के, अगर उनकर लड़का गद्दी पर बैठ जाए तो हमारे बेटवा के का मिली। तो यही बदे वो हमेशा तरकस में अपन तीर भरे रहे कि जब मौका मिली तब सम्मोहन का बाण राजा के ऊपर छोड़ब जरूर, और जब जब मौका मिले तब तब सम्मोहन का बाण राजा के ऊपर छोड़ दे, ताकि राजा हमारे कैद में रहे, बड़की कैती झुके न पावे, और ताकि राजा बने तो हमारे लड़का बने। एक दिन बाबूजी दोनों बच्चे खेल रहे हैं, कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है। अरे जैसे रोज आवेलु तू तेर सुनी के, जैसे रोज आवेलु तू तेर सुनी के, आई हो रे निदिया निडर बनी के। दोनों लड़कन के प्यार दुलार महल में मिलत बा, धीरे धीरे बढ़ई सुकुमार लगल, धीरे धीरे बढ़ई सुकुमार लगल, माई और बाबू के दुलार पवले।
पिता गोद बैठा ध्रुव जाके वही पहाड़िया। सुरुचि छोटकी माई जाके कसके डटले, सुरुचि छोटकी माई जाके कसके डटले, माई और बाबू के दुलार पावले। रिस्क हुई ध्रुव के भी और उत्तम के भी। और जब 5 बरिस के हुई तो एक दिन राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे और जाकर के बड़ी रानी का बेटा ध्रुव राजकुमार जाकर के पिताजी के गोद में बैठ गया। और जब पिताजी के गोद में बैठ गया तो छोटी रानी देख रही थी और दौड़ करके बाबूजी ध्रुव के हाथ पकड़ के अपने पति के गोद से खींच करके बाबूजी नीचे उतार देती है। और जब नीचे उतार देती है बाबूजी, कभी को संकेत करना पड़ा बिरहा शैली में टेरी के भाव में। अरे राम उमरिया जब की बारी रहली तताना मारे ध्रुव के मैं भामा हसरिया। उमरिया जब की बारी रहली सक गए दिल के बीच समाई गई ले जहां सुमति माई। रोके सारी हाल बताई आंसू टपके नैना। खटकाई है वो दिल में भारी काहे गोदिया से उतारी। अब हमारी छोटकी महतारी झट बतावा बहना। जब बाई हाँ के उल्टी रीत गहरी पिता से तोहरे प्रीत लागे उहान कौनो रीत कुछ न बोला बहना। घमंडी पित के पाठ पढ़ाई बाबू को तोहरे बहकाई। घमंडी पित के पाठ पढ़ाई बाबू को तोहरे बहकाई। लक्ष्मी पति जी हो सहाय उही पे पौवत चैना। ध्रुव की उम्र मात्र 5 साल की है लेकिन छोटी माँ का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा। बच्चे के हृदय में दुख हो गया। जाए कि अपने माई से पूछे थे कि ये माई, मैं जा करके पिताजी के गोद में बैठ गया तो छोटी माँ ने मुझे उतार दिया गोद से, क्यों? क्या मैं अपने पिताजी के गोद में नहीं बैठ सकता? अगर मैं अपने पिताजी के गोद में बैठता माँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता। मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, मुझसे दुलार करते हैं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। अब मैं पिताजी के गोद में नहीं बैठ पाऊंगा तो पिता का प्रेम कौन देगा मुझे? जब इतना बतिया बाबूजी सुनत है इन बड़ी रानी तो सामने बाबूजी दीवार पर लक्ष्मी और हरि की फोटो लगी है, विष्णु भगवान की फोटो लगी है। तो फोटोइया दिखाए के कहे सुना लक्ष्मी पति जी हो सहाई ही पर पैबा चैना।
जौने दिन तोके ये भगवान मिल जाए ही, वो दिन माई बाप का सारा सुख सारी ममता तोके इनके गोदी में मिल जाए, मिल जाए। वही पर तोरे आत्मा के शांति मिली, वही जगह पर चैन मिली, सुख मिली, और कहीं मिली उली ना। तो माई ई मिली है कहां भगवान? तो कहे जब हृदय से याद करब भगवान के खोजब तो भगवान जरूर मिली है। लड़िका के मन तो भगवान के चरणों में लग गया कि अब तो मैं भगवान को पक्का खोज करके निकालूंगा। कवि को संकेत करना पड़ा, रात्रि का समय है, माँ सो रही है, बेटे को नींद नहीं आ रही है। बेटा उठ करके बैठ जाता है और सोचता क्या है क्या? बिरहा में चार लाइन चौपाई का भाव है मास्टर साहब। तारी जंगल की ली राह सिधारी। सुने वाले बाबूजी, रात में माँ को सोती हुई छोड़ करके, माँ सो रही है, माँ के चरणों को स्पर्श किए ध्रुव जी और कह रहे हैं कि प्रभु मैं आ रहा हूं आपके पास। इतना कह करके बाबूजी, उम्र मात्र 5 वर्ष की है, बेटा घर से निकल दिया। और जब निकल दिया बाबूजी तो कवि को संकेत करना पड़ा, बिरहा में एक लाइन तर्ज है, तारा बानो फैजाबादी वाली। हाथ में मेहदी मांगे से नूर बर्बाद कजरवा हो गई। हमारे धरती के कलाकार गाया करते थे, नौटंकी के कलाकार। अरे कथरी तोहार गुनऊ जानई भैया हो। पहले के जमाने में पुरान पुरान लुगा साड़ी जौन बचे तो लोग मेहरारू होके जौन बुढ़िया आजी माई काकी लोग रहे, एक धोती पर एक धोती चढ़ाए के सुई तागा से उके नाथ दे। तो कहीं कहीं कथरी कहा थी, कहीं लगदी कहा थी, कहीं सुजनी कहा थी, कहीं लेवा कहा, कहीं कहीं पर लेवा बोला थी, इसलिए कहा गया। कथरी तोहार गुनऊ जानई, कथरी तोहार गुनऊ जानई, जे करई गुजारा कथरी।
करी तोहार गुण ऊ जान तजे करई गुजारा कथरी में लड़ी का पड़ी का लोटई पोटई पड़ा हरि को सुमिरत वह निकल पड़ा हरि को सुमिरत वह निकल पड़ा घन घोर जंगलावा आ गई रे घन घोर जंगलावा हरि को सुमिरत वह निकल पड़ा भैया हो ओ बेटा जंगल में पहुंच गया भगवान विष्णु जी के खोजे बदे भगवान विष्णु जी के पता लगावे बदे कि आखिर में लक्ष्मी पति हमके मिली है कहां घनघोर जंगल में पहुंच गया। आ जब घनघोर जंगल में पहुंच गया बाबूजी तो चोर डकैत रात के निकला रहा है चोरी करे बदे आ चोरी कर रहे बदे जब निकला है बाबूजी तो राजा का लड़िका तो रहबे भल गहना जेवर तो पहने हैं अपने तन पे तो चोर लोग सोचत हैं कि इनके मार के सारा जेवर हम लोग ले ले तो लक्ष्मी जी ओहर भगवान विष्णु जी से कहा कि प्रभु वो छोटा सा बालक है आपकी तलाश में अपनी माँ को छोड़ करके चला आया है और आप चल करके उसकी रक्षा कीजिए। जब इतना बात भगवान विष्णु जी सुनते हैं तो कहते हैं लक्ष्मी जी आप बहुत जल्दी उतावली हो जाती हैं। माई लक्ष्मी कहे ठीक है आपको पिता मान करके वो चला है आपको ढूंढने के लिए तो मैं उस बच्चे की माँ हूँ और माँ के जीते जिंदगी बेटे को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। सर्प बन करके बाबूजी वो डाकुओं को डस लेती है लक्ष्मी जी और डाकू मर जाते हैं चोर मर जाते हैं बालक ध्रुव बच जाते हैं। कवि को संकेत करना पड़ा कहना है बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब हौले हौले चलू रे कहाँ रवा हौले हौले चलू रे कहाँ रवा अरे सुरू जावा डूबे रे जंगल जंगल की खाक छान रहे हैं लेकिन भगवान विष्णु कहीं दिख नहीं रहे हैं। एक पेड़ के नीचे बालक ध्रुव बैठ गए तब तक देव ऋषि नारद जी बीड़ा सितार बजाते हुए नारायण नारायण नारायण। नारद जी उस बेटे के पास पहुंच करके कहते क्या है क्या?
नारद मुनि दिहले मंत्र दानावा, नारद मुनि दिहले मंत्र दानावा, लाला नावा भाजू हरी मंत्र दोहराए अरे इंद्र जी के हिला लया सनावा, इंद्र जी के हिला लया सनावा, लाला नावा भदोहरी नारद जी मंत्र बता दिए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, लड़का मंत्र को जपने लगा। और जब जपने लगा बाबूजी तो इंद्र भगवान का सिंहासन हिलने लगा। जब ये मंत्र का उच्चारण स्वर्ग लोक तक पहुंचने लगा तो इंद्र भगवान का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र भगवान देवताओं के राजा तो जरूर थे लेकिन बहुत डरपोक किस्म का रहन हो, बड़ा संकहा रहन बेचारू। तो इंद्र भगवान सोचत का है मन में, कभी को संकेत करना पड़ा एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। धरोहर है बांधी है कंगनावा माथे लागी है चाऊरावा, हो लागी है चाऊरावा, मुड़े मऊरावा धई के ना, मुड़े मऊरावा धई के ना, ओ भैया मोरा है। इंद्र अभिमनिया कर Yeah.
भगवान के ई बात के डर बा कि सौ बरिस जे तपस्या कैले या जे यज्ञ कैले तो उसको इंद्र की पदवी दी जाती है, मेरिट के आधार पर उसे इंद्र की पदवी दी जाती है। अब ये ध्रुव भगवान विष्णु की आराधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है। अगर कहीं भगवान विष्णु जी इसके तपस्या पर प्रसन्न हो गए और मेरी गद्दी छीन करके इसको दे दिए तब मैं क्या करूंगा, तो ऐसन काम कह दे कि इनकर तपस्या भंग कह दे, इनकर पूजा पूरा हो भय न करी, न इनकर पूजा पूरा होई, न विष्णु भगवान इनके ऊपर खुश हुई है, न हमार राज गद्दी हमारे हाथे से जाए। वही अग्निदेव को आदेश दे दिए कि जा करके चारों तरफ जंगल में आग लगा दो ताकि ये जल करके मर जाए। और जब अग्निदेव भयानक आग लगा दिए बाबूजी, तो लक्ष्मी माँ अपना आंचल ध्रुव जी के सर पे ओढ़ा देती है। तो जहाँ माई लक्ष्मी का ममता भरा आंचल बा और शक्ति बाबू दगरे पर अग्निदेव न जाई बाबूजी, तो अग्निदेव माँ लक्ष्मी के उस ममता भरे आंचल को प्रणाम करते हैं और वापस चले आए। इंद्रदेव समझ गए, पानी बरसाए, तूफान चलाए, अग्निदेव को अग्निदेव भी हार गए और इंद्र देवता की सारी युक्ति बाबूजी जब हाँ फेल हो गई। एक को जतन उनकर काम नहीं किहेस, नहीं किहेस बाबूजी, तो इंद्र देव थक हार करके शांत हो गए। देवर्षि नारद जी कहा कि देवराज इंद्र शांत हो जाइए, उस बालक की तपस्या भंग करना आपके बस की बात नहीं है और वो आपका राज सिंहासन नहीं लेना चाहता है, वो तो केवल लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की तलाश में निकला है। तमाम यातनाएं होने के बावजूद भी ध्रुव की तपस्या भंग नहीं हुई। ध्रुव के मुख से ओम नमो भगवते वासुदेव वाये नमः शब्द का उच्चारण बंद नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो कवि को संकेत करना पड़ा, अरे भक्ति के शक्ति महान दुनिया में भैया, भक्ति कैली जग में मीरा भाई हो महान, केवट जटायु से बरी नौधा भक्ति कैले भैया, कि भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान भगत के बस में है भगवान। आज ध्रुव के भक्ति से विवश होकर के भगवान विष्णु को आना पड़ा। कैसे मास्टर साहब, छोड़ी से ससैया चल ले कमला के सजनवा भैया, विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो बेटा ध्रुव बालक ध्रुव कह करके पुकारने लगे, अपनी आंखें खोलो,
और जिसे तुम पुकार रहे हो वो तुम्हारे सामने है। तब जाकर के ध्रुव जब अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं और पूछते हैं कि मैं कैसे मानूं कि आप भगवान विष्णु ही हैं और आप लक्ष्मी माता हैं। मेरे साथ क्या क्या हुआ है आप सारी बात को बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। वही सारी घटना को बाबूजी जैसे शीशे के सामने आप खड़े हो जाइए तो एकदम अस्पष्ट चेहरा आपका दर्पण में दिखता है। ठीक उसी प्रकार से ध्रुव के बीती हुई कहानी एकदम दर्पण के तरह झलक गया बाबूजी। और जब झलक गया तो ध्रुव को जब विश्वास हो गया तो कहा एक ठे सवाल आपसे पूछे के बाद यही बदे हम जंगल जंगल भटकत है कि हमार छोटकी माई हमारे पिता के गोद से क्यों उतार दिया, क्या मैं उनका बेटा नहीं हूं। जब इतना बात बाबूजी सुनते हैं श्री हरि भगवान विष्णु जी तो कहते हैं बेटा आप मेरे गोद में बैठ जाइए स्वयं जवाब मिल जाएगा आपको। वही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी ध्रुव को अपने गोद में बिठा लिए और जब भगवान की गोद में बैठता है बाबूजी ध्रुव और माता लक्ष्मी की ममता को जब पाते हैं तो सारे सवालों का जवाब उन्हें मिल गया, उनके आत्मा को संतुष्टि हो गई। वही भगवान से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल गया कि इस दुनिया में किसी के जीवन का इतिहास अगर बनता है तो बहुत बड़ी कठिनाई उसे झेलनी पड़ती है। मैं आपका भक्त हूं, आप मेरे प्रभु हैं, आप दुनिया के पालनहार हैं, मेरे जीवन की कहानी को लोग दोहराएंगे इसलिए मुझे इतना बड़ा कष्ट मिला, इसलिए मुझे इतना बड़ा दुख मिला, तो मैं आपका शरणागत हूं प्रभु, मुझे अपने शरणों में ले लीजिए, अब मैं दोबारा उस माया नगरी में जाना नहीं चाहता। भगवान विष्णु जी वरदान देते हैं ध्रुव को, क्या वरदान देते हैं, क्या के भक्ति महान ध्रुव जी तारा बन गए। लोक गया पर लोक मिला जहां क्षुधा प्यास न पाए, अमर कीर्ति हो गई जहां में भक्ति क्या कोई गाए, दुनिया करती गुणगान ध्रुव जी तारा बन गए। सुने वाले बाबूजी भगवान विष्णु जी कहते हैं कि यो मस्तु ऐसा ही होगा। कई के भक्ति महान ध्रुव जी तारा बन गए। भगवान विष्णु की भक्ति से ध्रुव जी को वरदान मिला और वही बालक ध्रुव ध्रुव तारा के नाम से बाबूजी विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए, उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई और आज भी उनकी कहानी गाई जाती है बाबूजी, आज भी उनके जीवन की कहानी को दोहराया जाता है। ध्रुव तारा के नाम से विद्यमान है बाबूजी, उनकी कहानी जग विदित है। आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। सीताराम ही स्वर्ग गए हैं पाए पद निर्वाण, कविता लिखते शिव शंकर प्यासा गुरु चरणन पे कुर्बान। अरे राम उमरिया जब की बारी रहली, ए भैया उमरिया जब की बारी रहली, नंदनी खेमराज का रक्षक है मायरिया, उमरिया जब की बारी रहली।